तो हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे इस क्लास में एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग, जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके से फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हमने तीन एग्जांपल देखे, चौथा एग्जांपल में हमारा क्या है कि डेट डली हुई है, डेट। अब मुझे इसमें से जो सैटरडे और संडे की डेट है उसको हाईलाइट करना है, जो सैटरडे एंड संडे की डेट है, या फिर सिर्फ संडे की डेट है, जो भी आप करें उसको हाईलाइट करें। तो ये डेट्स पे सैटरडे या संडे है पता कैसे चलेगा? इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप टेक्स्ट का फॉर्मूला अप्लाई करें और इसमें कस्टम फॉर्मेटिंग का जो मेथड था ट्रिपल डी वो कर दे, उससे पता चल जाएगा कि सैटरडे या संडे है। या दूसरा हमारे पास फॉर्मूला एक होता है वीक डे। वीक डे में मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पूछता है स्टार्टिंग ऑफ द वीक कि आपका वीक स्टार्ट कहाँ कब से होता है, कोई गल्फ में संडे से होता है, मंडे से हम लोगों का होता है, तो इस तरह से होता है। इसलिए तो यार हमने बोल दिया कि हमारा मंडे से स्टार्ट होता है। ये आपका नंबर दे देगा, राइट? तो यहां पे देखिए आज का डेट मान लीजिए आज 3 तारीख है ना, तीसरा डेट है क्योंकि 3 तारीख रहा ना, हाँ ट्यूजडे वीक का दूसरा दिन है। तो हम इसी फॉर्मूला, क्योंकि इसमें तो फिर दिक्कत हो जाएगी, दो कंडीशन लगाने पड़ेंगे, तो यहां पे हम इसी फॉर्मूला को लेते हैं, कर्सर यहां पे रखते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, न्यू फॉर्मूला, यूज रूल्स, और यहां पे हम पेस्ट कर देते हैं। और इसमें हम करते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्योंकि सैटरडे एंड संडे दोनों करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सिर्फ संडे संडे अगर पर्टिकुलर डेट दिन दे रहा है तो उसका पर्टिकुलर डेट का डे नंबर, जो नंबर यहाँ होता है वो आप दे दीजिए, बट यहाँ सैटरडे और संडे दोनों करना है तो 6 हमने कर लिया। फॉर्मेट में है, फॉर्मेटिंग भी है, ओके। और हमने फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे जहां तक डेट है वहां तक पेंट कर, तो सैटरडे एंड संडे हमारा हाईलाइट हो गया। तो रवि जी, रमेश जी एंड मनु जी, समझ में आया? Yes, sir.